मेरा नाम खुशी सोमानी है, मैं 24 इयर्स की हूँ। फ्यू मंथ्स अगो मुझे पता चला कि मुझे कैंसर हुआ है, लंग कैंसर। सो सडनली इट वॉज अ शॉक फॉर माई फैमिली एंड मी ऑल्सो। एवरी वन वॉज लाइक कि इतने कम एज में आपको कैंसर कैसे हो सकता है। बहुत ज़्यादा एक्टिव थी तो सबको लग रहा था कि भाई नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। एक अच्छा था कि मुझे एक प्रॉपर स्टेज पे पता चला कि मुझे कैंसर है, तो मैंने केयरलेसनेस नहीं किया। डायग्नोस कर लेना इज वेरी गुड थिंग। हम लोग बोलेंगे आज नहीं कल करते टेस्ट, कल नहीं परसों करते, तो इट्स नॉट गुड। अगर आज अपने को लग रहा है कि टेस्ट वेस्ट कर लेना चाहिए तो टेस्ट कर लो। डायग्नोस अगर हो गया टेक इट एज अ नॉर्मल। जितना अर्ली पता चलेगा उतना अर्ली ट्रीटमेंट होगा और प्रॉपर ट्रीटमेंट आपको मिल जाएगा। जो लोगों को फियर है वो आप जाओ, आप डायग्नोस ही नहीं करोगे, बीमारी ही नहीं पता चलेगी तो इलाज ही कैसे होगा। मेरा ऐसा कहना है कि कोई किसी को अगर बोल रहा है डॉक्टर तो उनके गाइडेंस में चलो। ऐसे नहीं है कि भाई मुझे कैंसर हो सकता है तो मैं जाऊँ ही नहीं हॉस्पिटल में। जाओ, आप हो रहा है फेस करो, पॉजिटिविटी से भरो। कुछ नहीं होता है, हर डिसीज को सॉल्यूशन है। अभी बहुत ज़्यादा साइंस बढ़ गया है। मुझे तो बहुत सारे टीम मेंबर्स जैसे मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट, उन्होंने हेल्प किया तो मैं प्रॉपर गाइडेंस में गई। टीम का मैं सुनती गई तो मुझे बहुत अर्ली स्टेज में पता चल गया कि मुझे कैंसर डायग्नोस हो चुका है। तो ऐसा तो कुछ है नहीं कि स्मोकिंग के बाद ही कैंसर हो। आई हैव नेवर टच्ड द स्मोकिंग थिंग्स एंड ऑल। अभी तो लंग कैंसर इज लाइक किसी को भी हो जाता है, कोई एज मैटर नहीं करता है। यंगस्टर्स को ज्यादा देखने में मिल रहा है। इट माइट बी कॉज बाय पॉल्यूशन, तो पॉल्यूशन मेजर कॉज है। ऐसे नहीं है कि हमारा जो डेली रूटीन है वो बंद कर दो एंड पूरा मीन्स सब शट डाउन कर लो। नहीं, मैं अभी भी नॉर्मल डेली रूटीन में हूँ। एवरीथिंग विल बी नॉर्मल और कोई नहीं, सब पॉजिटिविटी रखो, सब कुछ हो जाएगा।